फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योर गार्डन पार्टनर लव योर गार्डन की एक और नई वीडियो में। आज हम ग्रो करेंगे बिटर गार्ड, जिसको हिंदी में करेला भी कहते हैं। तो उसको ग्रो करने के लिए हमने यहाँ पे बिटर गार्ड के सीड्स को एक दिन वाटर में सोक कर लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा पेस्टिसाइड मिलाया था, जिससे जब अपन लोग इसमें इन बीजों को लगाएं तो इनमें कीड़े ना आएं। और इसको जल्दी ग्रो करने के लिए हमने इनको थोड़ा सा घिस लिया है। थोड़ा सा ऊपर से घिसने से क्या होता है, इसका जो अंदर का बीज है वो आप देख सकते हैं सामने निकल आता है और फिर वो जल्दी ग्रो होता है। ये सिर्फ 3 दिन में ही ग्रो हो जाएंगे। इनको सोक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि बिटर गार्ड के सीड का जो आउटर शेल रहता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप इसको सोक नहीं करेंगे तो ये बहुत दिनों तक ग्रो नहीं होगा। चलो, इसको ग्रो करने के लिए हम अपना पॉटिंग मिक्स बना लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा कंटेनर लिया है बॉटल गार्ड की सैपलिंग बनाने के लिए, और इसमें हमने पॉटिंग मिक्स के लिए लिया है 70% गार्डन सॉइल और 30% सैंड। सैंड मिलाने से क्या होता है, जब अपन लोग इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तब ये आराम से इसमें से निकल के ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो चलो अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो हमने अपना पॉटिंग मिक्स बना लिया है, अब हम इसमें सीड्स लगाएंगे। सीड का जो छिला वाला जो टिप है उसको हमें ऊपर रखना है इस तरह से, एक एक करके रख देंगे। और अब हम इसको पॉटिंग मिक्स से कवर करेंगे। और अब हम इसे हल्का सा बिल्कुल प्रेस करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना है। और अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। बस हमें बस इतनी ही वाटरिंग करनी है, तो 3 से 4 दिन में हमारा जो करेला है ये ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।